सुशांत केस में सीबीआई ने अपनी जांच की आज तेज कर दी है और सीबीआई ने एक्शन में आते हुए पूछताछ भी शुरू कर दिया है। फिलहाल सीबीआई ने मुंबई पुलिस से घटनास्थल वाली जगह की तस्वीर मांगी है। इस मामले में सीबीआई की 16 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। सीबीआई की एसआईटी टीम बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से मिलने पहुंची। प्रोटोकॉल के तहत सुशांत केस की जांच को लेकर बात होनी है। इस मीटिंग में सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। एजेंसी अब तक केस में की गई सभी जानकारी, फॉरेंसिक सबूत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दर्ज किए गए बयानों का हैंडओवर लेगी। इसी के साथ सीबीआई के कुछ अधिकारी सुशांत के कुक से भी पूछताछ करेंगे। नीरज वही हैं जिन्होंने बताया था कि सुशांत ने सुबह के समय जूस पिया था। वहीं सीबीआई सुशांत के जिस बैंक में अकाउंट था वहां के मैनेजरों से भी पूछताछ कर सकती है। इसी के साथ एक्टर सूरज पंचोली की मां भी अब सामने आ गई है और सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई जांच पर रिएक्ट किया है। इसके साथ ही सूरज की मां जरीना वहाब ने एक्टर सूरज पंचोली पर लगे आरोपों पर भी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में सुशांत सिंह को लेकर कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि सुशांत और रिया के केस में सीबीआई की एंट्री हो गई है और अब चीजें सामने आएंगी, पता नहीं अब किसी पर भरोसा नहीं रह गया है। इस तरह के मामले सामने आने लगे हैं, लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए बड़ी नफरत आ गई है। जो लोग निगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं उन्हें सब जानते हैं, नसीब से ज्यादा या उससे कम किसी को नहीं मिलता है। सूरज का ऊपर वाला इम्तिहान ले रहा है। जब मेरा बेटा बोल रहा है कि मैं खुद सुशांत से 2 या 3 बार मिला हूँ, मैं उससे ज्यादा जानता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोग खामखा पीछे पड़े हैं। मेरे बेटे को पता नहीं ये क्या है। मेरे ख्याल से ये सब कयामत के आसार हैं। वेल, आपको बता दें कि सीबीआई ने सुशांत केस की जांच की आज तेज कर दी है और अब ये कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही सुशांत के गुनहगारों का पर्दाफाश होगा और सुशांत को इंसाफ मिलेगा। तो जाप केसरी ग्रुप, नई दिल्ली।